लॉकडाउन की वजह से शहर में सिवनी और अन्य जगह से आए गरीब मजदूर पैदल अपने घर जाने के लिए मजबूर है। दरअसल देश में आई इस आपदा के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से छोटे शहरों और गांव से मजदूरी के लिए आए लोगों पर बहुत कठिन परिस्थिति है। अब समय यह आ गया है कि पैदल ही घर लौटने पर वे मजबूर हो गए हैं। जब इसका जायजा लिया गया तो हमारे संवाददाता अभिषेक पानसी ने कुछ लोगों से नागपूर शहरासहित पूर्ण भारतामध्ये लॉकडाऊन जाहीर केलेला आहे, त्याच्यामुळे सगळे दुकानं, सगळे प्रतिष्ठान, सगळे व्यवसाय बंद झाले आहे। अशात जे हातमजुरी करणारे, जे नागपुरात हातमजुरी करणारे लोक येतात, कन्स्ट्रक्शन कंपनीमध्ये काम करतात किंवा एखाद्या ठेकेदाराच्या हाती काम करतात, त्यांचं काय? हा एक सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे। आता हे जे साईडला, आता आपण सेमिरी रील परिसरात आहे, हे जे साईडला हे लोक बसले आहे, सिवणीचे हातमजुरी करायला एखाद्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीमध्ये हे मजदूर म्हणून काम करत होते। लॉकडाऊन लागल्यामुळे रेल्वे बंद झाले आहे, बसेस बंद करण्यात आले आहे, प्रायव्हेट बसेस चालत नाही आहेत, टॅक्सी चालत नाही आहे, त्यामुळे आता यांना पायी शिवणीपर्यंत जाण्याची वेळ आलेली आहे। काही सामाजिक, नागपूर शहरातले काही सामाजिक कार्यकर्ता आहेत, त्यांनी यांना सध्या इथे थांबवलेलं आहे, यांची व्यवस्था करण्याचं सुरू आहे, यांना जेवण दिले आहे। एक महिला आपल्यासोबत आहे, त्यांच्याकडनं आपण विचारून घेऊ क्या की का त्यांचं आता काय आहे, कुठे जाणार होत्या त्या? हमको जाना है जबलपुर। यहाँ पे कितने दिनों से है नागपुर में आप? हम तो होली करके अभी आए थे, हमने तो काम भी नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने काम कर लिए, बाकी कुछ लोग तो बिना काम किए ही रुके हैं अभी तक। जैसे हम 10-12 लोग, हमने अभी काम नहीं किया। हम लोग होली करके आए थे और कर्फ्यू लग गया, और बाकी के लोगों ने काम किए हैं जितने दिन भी, तो उन्हीं लोग के पैसों में अब तक खाए हम लोगों ने, अब उनके भी ख़त्म हो गए, हमारे पास तो थे ही नहीं। इसलिए हम चाहते हैं, हम लोग ये वायुसेना में नहीं, ठेकेदार की तरफ से नहीं थे, हम लोग ऐसे ही आए थे, कोई लाया नहीं था, अब अपने उससे आए थे, इसलिए हम किसी को बोल भी नहीं सकते कि हमारी व्यवस्था करो करके। अभी तो सभी बंद है, सब टैक्सी, रेलवे सब बंद है, अभी जाने का क्या व्यवस्था? अब जाने का आधा परिवार हमारा उधर है ना सर जी, कामटी की तरफ, इसलिए हम सोच रहे थे सब एक साथ हो जाते, लड़के बच्चे बहू बहू और उधर वहाँ काम करते थे, तो एक साथ हो जाते, सब कामटी की तरफ चले जाते, फिर जब भी बस चालू होती तो वहीं कहीं चले जाते हम लोग, यहाँ से दूर पड़ता है इसलिए। हाँ, पैदल जा रहे थे हम लोग, सिवनी सिवनी नहीं, कामटी तक जाते पैदल, फिर वहाँ से देखते रात को सुबह 4 बजे निकलते, जहाँ तक घाम घाम ठंडी रहता तब तक पैदल चलते, फिर वहीं रुक जाते, बनाते खाते फिर निकलते जाते, ऐसा सोचे थे हम लोगों ने। अभी और 10-15 आदमी चले गए ना हमारे साथ के, ऐसे ही वो लोग तो बोल रहे थे कामटी से पुलिस ने उन लोग को गाड़ी में भेजी है सिवनी तक। हाँ, अभी तो पैदल गए नहीं सर जी, हम कभी पहली बार जा रहे हैं, आने में 3-1 घंटा लगता है सिवनी से, बस में आते तो बस में 3 घंटा लगता है। तो आपण ऐकलं यांचं, शिवनीला पायी जाणार आहात, एमपीमध्ये येतो, नागपूरहून पायी जाण्यासाठी निघालेले आहे, लॉकडाऊनचा आता 3रा दिवस आहे, आपण प्रत्येक वेळेस म्हणतो किराणा संपला म्हणून आपण बाहेर निघतो, इकडे निघतो, आपण सुखी आहो, आपला जो भरपूर आहे, या लोकांकडे पहा की हातमजुरी करतात, खिशात पैसे नाही, खायला अन्न नाही, आणि जायला साधन नाही आहे, पायी हे आपल्या गावी निघालेले आहे। आम्ही आमच्या चॅनलमार्फत शासनाला एक अनुरोध करतो की आपण इतके पैसा खर्च करतो आहे, इतक्या फ्री फॅसिलिटी आपण दिलेल्या आहे, या लोकांकडे लक्ष देऊन यांच्या गावी पोहोचण्याचं एक व्यवस्था करावी। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळसह अभिषेक पानसी, इनबीसीएन न्यूज, नागपूर।